हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सिलसिला। सो यार गाइस, इस सिलसिले में अपन बताने वाले हैं कैसे अपन एक ही मोबाइल में टू वर्ल्ड खेल सकते हैं फास्ट एंड सेकंड, और अपन डंजन में कैसे रिस्टोर प्रोसेस यूज कर सकते। एक्चुअली अपन आज मैनेज हेप डाटा के बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो, देने का शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो ये रहा अपना गेम्स गाइस, जहाँ पे आपने कभी कुछ खेला ही नहीं, ऐसा ही सोच सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो अपना प्ले सिंगल प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ, कैसे अपन टू वर्ल्ड खेल सकते हैं, जो मैं खेलता हूँ। तुम लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे, बता नहीं कह रहे। सो लेट्स गो, एक्सप्लेन करते हैं। तो यार गाइस, सिंगल प्लेयर का जो है सब सारा सिलसिला है मैनेज डाटा के ऊपर। तो यार मैनेज सेव डाटा के ऊपर डिपेंड करता है सारा चीज़। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो यार गाइस, अपना गेम चलता है कौन सा वाला, अपना गेम जो चलता है वो सेव होता है करंट सेव में, और उसको अपन बैकअप करके रख सकते हैं। तो यार करंट सेव अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी गेम पे कुछ भी नहीं है, और अपन जो भी खेलेंगे करंट सेव पे होगा सेव, ठीक है। इसके बाद इसको अपन लोकल बैकअप करके सेव करके रख के फिर दूसरा वर्ल्ड खेल सकते हैं बना के। तो यार चलो अभी एक वर्ल्ड बनाते हैं न्यू गेम देके। एक्चुअली तुम लोग एसपी ट्रांसफर करके भी ले सकते हो। एंड गाइस, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था मैं छोटा कैरेक्टर बनाता कैसा हूँ, ये अभी देख लो। सारा चीज गाइस मैं एकदम जीरो कर देता हूँ, और हो जाता है मेरा सबसे छोटा और पसंदीदा कैरेक्टर। तो लेट्स गो कर देते हैं सारा चीज को छोटे। ये देखो तुम्हारे भाई का छोटे कैरेक्टर तैयार हो चुका है, और ये मेरा फेवरेट भी कैरेक्टर है, क्यों पता नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है। तो ये अपना कैरेक्टर, अभी यहाँ पे खेलते हैं, खेल के एक करंट से बनाते हैं एंड फिर इसको लोकल बैकअप पे रखते हैं, और फिर अपना वन वर्ल्ड तैयार हो जाएगा। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो भी खेलेंगे सिंगल प्लेयर पे, लास्ट में जब अपन गेम छोड़ के जाएंगे तब यार एक मैनुअल सेव गेम में उसको कर देना है। क्योंकि तुम सोचो थ्री टेम किया, थ्री टेम करके किसी ने बुलाया तुम चला गया फटाक से गेम को ऑफ करके, फिर जब तुम वापस आओगे ना देखो कि भाई थ्री टेम ही नहीं हुआ, मतलब थोड़ा आगे भेज दिया। तो इसलिए हमेशा सिंगल प्लेयर पे ऐसा होता है कि मैनुअल सेव करके जाना चाहिए। तो ये और एक चीज़ कभी कभी मेरे साथ होता था, तो मैंने शेयर कर दिया। तो लेट्स गो यार, कुछ बना लेते हैं एंड अपना वन लेवल ले लेते हैं। एंड गाइस बहुत ही मस्त है, टू वर्ल्ड्स देख सकते हो। मैं खुद भी डंजन सीरीज खेलता हूँ, हार्डकोर ब्रूटल स्वयं सर्वाइवल सीरीज भी खेलता हूँ। तो दैट्स इट। अभी यार यहाँ पे अपना वन तो लेवल तो है, टू लेवल्स आराम से हो जाएगा। ओके अपना टू लेवल्स आ जा, ओके हो गया। तो यार यहाँ पे करते लेवल अप लेवल अप एंड इसको छोड़ते हैं। अभी अपन गेम का मैनुअल सेव करके निकालेंगे, और मैनुअल सेव वो जो है उसको हमेशा अपन करंट सेव से बैकअप पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी चाहे वहाँ से रिस्टोर होगा तो वहाँ से मिलेगा हम लोगों को गेम। तो एट्स इट गाइस, अभी यहाँ पे अपना मैनेज सेव डाटा पे अगेन चलते हैं। एंड अभी यहाँ पे देखना अपन का 791 KB का आ चुका है सेव, यानी करंट सेव, और उसको अपन लोकल बैकअप पे सेव करके रखेंगे कि अपना वर्ल्ड सेव रहे। अपन वहाँ पे जाके कुछ मतलब मर जाएंगे तो यहाँ से सेव करके फिर से खेल सकते हैं गाइस। मतलब पर डे का ही सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ भी हो सकते हो। तो पर डे का ही लोकल बैकअप बना लेना, खेला खेलने के बाद लास्ट में आके एक बैकअप बना के रखना। तो दैट्स इट गाइस, अभी आप यहाँ पे अपन रेस्टोर प्रोसेस देख सकते हो। करंट सेव अभी करंट सेव से एकदम फुल हटाए देते हैं। करंट सेव से हटा दिया मतलब कि अपना एक जो गेम्स थे इतने टाइम तक जो खेला उसको तो अपन ने सेव करके रखा, और करंट सेव पे रिस्टोर करेंगे तो वापस भी आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, बहुत ही मस्त है। डिलीट मारते हैं करंट सेव को, क्योंकि अपन सेकंड वॉल भी करेंगे। तो सेकंड वॉल भी अपन ऐसे ट्रांसफर ले सकते। देखो अपना जितना खेला ना एक वॉल उतना तो अपन सेव करके रख दिया बैकअप करके, अभी अपन सेकंड वर्ल्ड बना सकते हैं, या तो सेकंड वर्ल्ड को ट्रांसफर ले सकते हैं एसपी ट्रांसफर। दैट्स इट गाइस, वही प्रोसेस अभी न्यू गेम्स देके शुरू करते हैं खेलना, कुछ भी खेलते हैं। तो दैट्स इट गाइस, अपना सेकंड वर्ल्ड का भी अभी करंट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अपन लोकल बैकअप करके रख देंगे। पर डे जो वर्ल्ड खेला जितना खेला उसको बैकअप करके रखना, जितना खेला उतना रखना है, मतलब जो खेला उतना रख के फिर जाके दूसरे वर्ल्ड को अपने को रिस्टोर करना है, ठीक है। नहीं तो भाई तुम आज खेला, आज का बैकअप नहीं रखा, तुम पिछले दिन का बैकअप रखा तो क्या फ़ायदा, तुम्हारा गेम पिछले दिन से आएगा, ठीक है। तो जितना खेला उतने दिन अभी के अभी सेव करके रखना है। दैट्स इट। अभी यार अपना सेकंड वर्ल्ड का बैकअप देख सकते हो करंट सेम। अभी उसको भी अपन हमेशा देखो टू वर्ल्ड काफी होता है, क्योंकि तीसरा जो है लोकल बैकअप टू, उसको हमेशा अपन क्या करते हैं डंजन में यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ तो इसलिए बोला। तो ये देखो अपना टू वर्ल्ड्स फुल परफेक्ट तैयार, अभी किसी भी वर्ल्ड को अपन रिस्टोर करके ले सकते हैं, और जितना खेला पर डे हुई अभी देख सकते हो, और एक भी वर्ल्ड बना सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसको रिस्टोर करेंगे तो ये वर्ल्ड खेल सकते हैं, या तो अपन इसके ऊपर दूसरे वर्ल्ड यानी लोकल बैकअप थ्री जो है उसको भी खेल सकते हैं, और वार राइड भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट। तुम लोग शायद देखे होगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स स्कैम्स 25 एंड युगवाना गेमिंग्स कभी कभी अपना जब लाइव स्ट्रीम करता है तब ये चीज़ करता है। एक्चुअली स्कैम्स 25 तो सीधा लाइव स्ट्रीम में कर देता है, युगवाना गेमिंग्स जो डंजन को लाइव स्ट्रीम करता है वो एक स्क्रीन लगा देता है वी विल बी बैक ऐसा करके, फिर वो जाके कुछ करके आता है। तो दैट्स इट, वो सेव करके आता है डंजन के टाइम पे, वर्ल्ड ट्रैप टू वर्ल्ड ट्रैप करेगा तो वो ना मरे इसलिए। दैट्स इट। तो एंड गाइस नेक्स्ट, अभी
आराम से ऐसे खेल सकते। और ये है तुम्हारा भाई का, मैं जो खुद खेलता हूँ वो एक बैकअप जो है वो है मेरा डंजन सीरीज का थर्ड बैकअप जो देख रहे हो लोकल बैकअप, तो वो है अपना हार्डकोर ब्रूटल सर्वाइवल सर्वाइवल सीरीज का जो नेक्स्ट डे आएगा वीडियो। तो दैट्स इट गाइस, ये अपना डंजन सीरीज जो मस्त तरीके से मैंने भाई बहुत मेहनत से बनाया, हर एक एपिसोड देख लेना कैसे मेहनत की तुम लोगों को पता ही चल जाएगा। अब चलते हैं गाइस डंजन। तो यार गाइस तुम लोग देखे होगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं कि लोकल बैकअप करके आता है। तो दैट्स इट, अभी मैं एक वर्ल्ड ट्रैप के पास जाते हैं, अभी ये देख सकते हो ये अपना वर्ल्ड ट्रैप्स। दैट्स इट, यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करके देखो मेरे से सोचो इससे तुमको रिक्स लग रहा है भाई मैं मर ना जाऊँ फिर मेरे का सारा सामान जाएगा मेहनत जाएगा डबल जाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल से दे के जाके इसका बैकअप तैयार कर लेना है कि मैं जब भी मरूँ यहाँ से मेरे को बैकअप करके आ सकूँ, ठीक है। तो इसलिए भाई मेरे पास अभी लोकल बैकअप 2 है, मैं उसको यूज़ करेंगे, तो मैं इसको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास ऐसे भी 2 वर्ल्ड्स पहले से है। तो गाइस यहाँ पे अभी अपन वहाँ पे जाके मरेंगे तो भी क्या होगा ना, अभी बाय चांस मर जाएंगे तो अपन वहाँ से रिस्टोर कर लेंगे लोकल बैकअप 2 को, तो गेम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से डंजन से स्टार्ट होगा। तो यार चल भाई यार मारते जाते हैं। तो मर गया नाइस तरीके से गाइस, मर गया भाई, शहीद हो गया बोल सकते हैं। तो यार गाइस मैंने सेव डाटा, तो यहाँ पे देख सकते कारण सेव डाटा तो पहले उड़ा ही देंगे क्योंकि भाई वहाँ पे अपन मर गए थे। अब यार देखो लोकल बैकअप 2 करेंगे तो अपन को डंजन से आएगा, फिलहाल मैंने डंजन में कुछ ले कि नहीं गया तो मैं लोकल बैकअप 1 को कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डंजन के बाहर का चाहिए, तो मैं डंजन के बाहर का बैकअप ले लिया तो मैं डंजन के बाहर आ जाऊँगा। तो इसलिए बोला कि देखो गाइस अभी मैं ये सिंगल प्लेयर पर जितने सारा चीज़ खेलेंगे ना, जब मैं सेकंड मतलब अपना हार्डकोर ब्रूटल वर्ल्ड में जाऊंगा उससे पहले मैं यहाँ पे जितने सारे चीज़ खेला उसका बैकअप तैयार करके जाऊंगा, मतलब करंट सेव को यहाँ पे लोकल बैकअप 1 पे रिस्टोर करके फिर जाएंगे। तो ऐसे करके ही गाइस अपन खेल सकते हैं। अभी चलो यार अपन लोकल बैकअप 3 पे चलते हैं जो ये देख सकते हो, यानी अपना हार्डकोर ब्रूटल स्वयं सर्वाइवल सीरीज। ऐसे करके तुम्हारा भाई दोनों खेलता है और डंजन को भी सिंगल प्लेयर भी इजी करता है। तो यार गाइस यह था तुम्हारा भाई का कुछ सिलसिला, तुम लोगों को पसंद आया बैकअप चीज़ ऐसे करके 2 वर्ल्ड खेल सकते हैं एंड बैकअप चीज़। और डंजन के बारे में और ऐसे बैकअप चीज़ तुम लोगों को जानना है तो यार जरूर बोल देना, मैं स्पेसिफिक डंजन के लिए बैकअप खेल दिखाऊंगा भाई मस्त सिलसिला। एंड ये था आज का छोटे से सिलसिला, आई होप तुम लोगों को मैंने समझा दिया, और किसी को कोई डाउट है तो बोल देना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। तुम लोग मेरे को बहुत पहले बोल दिया था, आई मैंने लेट डाला तो इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट्स, बट कोई नहीं यार गाइस मिलते नेक्स्ट सिलसिले के साथ, लव यू ऑल, बाय।